गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में और अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आशा है आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा और इसके क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूरे कर लिए होंगे। और जो भी चेकिंग का काम है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो और पूछ सकते हो कि आपको क्या क्यूरी आ रही है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हो और उसका जल्द से जल्द रिजोल्यूशन किया जाएगा और आपको संतुष्ट किया जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड चैप्टर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हैं उनके टाइप्स, कितने कितने प्रकार होते हैं। अ सेंटेंस स्टार्ट करवाऊँगा पेज नंबर 5 पे, बुक ओपन कर लीजिए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स That makes complete sense। एक सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जिससे उस वाक्य का मतलब निकलता है, वो होता है सेंटेंस। There are 4 kinds of sentences। सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। ए है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए में लिखा हुआ है कि जो पैराग्राफ है ना इसमें देखिए फॉलोइंग जो सेंटेंसेज हैं इनको अपन को पढ़ना है। फर्स्ट है आई लाइक वाटरमेलन्स, मुझे वाटरमेलन पसंद है। सेकंड है जयंती इज वेरी हैप्पी टुडे, जयंती आज बहुत खुश हैं। थर्ड सेंटेंस है दे आर एब्सेंट टुडे, वे आज एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। ठीक है, दिस सेंटेंसेज से और स्टेट समथिंग, ये सेंटेंस कुछ अपन को बता रहे हैं ना, इनका मीनिंग भी निकल रहा है, सेंस भी इनका। तो सेंटेंस इसी काम में आते हैं कि किस चीज़ को समझाना, कुछ बताना अपन को, वो होता है या सेंस बताना, कोई भी सेंस निकलना ही वो सेंटेंस के द्वारा ही निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टेटमेंट सेज डिक्लेयर्स और स्टेट समथिंग। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ कहता है या फिर डिक्लेयर करता है वो सेंटेंस होता है। इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा उसमें पहला लेटर कैपिटल लेटर ही लिखते हैं अपन। एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और उसका एंड हमेशा फुल स्टॉप से होता है। किस टाइप का होता है फुल स्टॉप जानते हो आप लोग? बी पैराग्राफ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें भी अपन को सेंटेंसेस पढ़ने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इसमें लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो इसलिए क्या है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और ये ज़्यादातर WH या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उनसे स्टार्ट होते हैं। सेकंड सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस है डू यू लाइक सॉन्ग्स, क्या आपको गाने पसंद हैं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना क्वेश्चन। द अबोव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, इन सेंटेंस के अंदर अपन को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो दे आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसलिए वे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वो अपन देखेंगे भी कैसे स्टार्ट होता है। एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और हमेशा क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है, समाप्त होता है। ठीक है, सी पैराग्राफ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है स्विच ऑफ द फैन, पंखे को बंद कर दीजिए, ये किसी को कमांड देना हो गया ना, अपन कमांड दे रहे किसी को, पंखे को बंद कर दीजिए ये कमांड हो गया किसी को देना, किसी को बताना। सेकेंड है प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आ जाइए, ये किसी से रिक्वेस्ट हो रही है ना, प्लीज़ आ जाता है ना तो रिक्वेस्ट होती है वो, कृपया आप अंदर आ जाइए, ये किसी को अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड है यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको एक पानी का गिलास पीना चाहिए, ये किसी को एडवाइस देना हो गया, सजेशन देना हो गया ना, तो ये क्या हो गई एडवाइस में हो गया, एडवाइस वाला सेंटेंस हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस में क्या फ़र्क है। कमांड किसी को कमांड देना कि आपको ये काम करना है, और रिक्वेस्ट करना कि प्लीज लगा कर कि आपको ये कर लेना चाहिए कृपया, वो होता है रिक्वेस्ट। एडवाइस देना और कि आप
ये काम कर सकते हो, आप इस तरीके से भी ये काम कर सकते हो, ये किसी को एडवाइस देना हो गया। द अबोव सेंटेंसेज एक्सप्रेसेस अ कमांड रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, सो आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेज। अब वो जो सेंटेंस है इसमें एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं अ कमांड, एक कमांड, रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट, और एन एडवाइस, और एक एडवाइस, ये सभी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। किसी को कमांड देना, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना, सभी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। किसी को ऑर्डर देना भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है, सजेशन सब है ना, इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं। एन इम्परेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट कमांड्स और गिव एडवाइस डायरेक्शंस। एक इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा किसी को रिक्वेस्ट करना, कमांड देना और गिव एडवाइस, सलाह देना भी, या डायरेक्शन देना किसी को, दिशा बताना कि आप ऐसे करिए, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ही आता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और इनका फिनिश होता है फुल स्टॉप से। ओके, डी पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है इसमें, व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज, क्या प्यारी ड्रेस है ये। सेकंड है, व्हाट अ डर्टी प्लेस इट इज, क्या गंदी जगह है ये। थर्ड है, हाउ फास्ट इज सी रनिंग, वे इतनी तेज दौड़ती है, वो इतनी तेज कैसे दौड़ती है। ये तीनों सेंटेंस हो गए। द अबोव सेंटेंसेज एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो ये सेंटेंस है ना ऊपर के, ये कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे, बता रहे हैं, और इमोशन, और इमोशन बता रहे किसी का, और सम एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटमेंट भी इसमें दिख रहा है अपन को, है ना। व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज, तो एक्साइटमेंट है ना कि कितनी प्यारी ड्रेस है, एक्साइट होके बता रहा है कोई। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इनका जो समापन होता है, फिर फिनिश होता है सेंटेंस, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा ही समाप्त होते हैं, तो इनको इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं, वो आगे आएगा अभी। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन और सम एक्साइटमेंट, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इन तीनों की डेफिनेशन भी हो गई ना। पहले तो नॉर्मल सेंटेंस की डेफिनेशन ये रही, ये देखो ब्लॉक बना हुआ है, फिर उसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई, फिर उसके बाद में इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई, फिर है यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। तो चारों सेंटेंस जो सेंटेंस होता है ना, उनकी डेफिनेशन हो गई ये। तो आप है ना, ये जो डेफिनेशन है इनको अपने नोटबुक के अंदर भी नोट कीजिएगा ना, चारों डेफिनेशन को, ठीक है। आगे अब अपन को क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, लेट्स डू स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस एज इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, इसमें एक अपने लिए इन्होंने कर दिया है। फर्स्ट सेंटेंस अपन पढ़ेंगे, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है ना, तो रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, कमांड देना, ये सभी क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया ना पहला। विल यू बाय बुक्स, क्या आप किताबें खरीदोगे, तो ये अपन ए में कर रहे हैं सेकंड, तो इसका मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ सामने क्या आएगा, इसमें इसका आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन से सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी है आप, ठीक है बच्चों, सेकंड का हो गया। थर्ड है, द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, तारे क्या करते हैं, आसमान में झिलमिलाते हैं, तो थर्ड में आएगा स्टेटमेंट, क्योंकि नॉर्मल स्टेटमेंट है ना,
इसलिए थर्ड में आएगा स्टेटमेंट। यू शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, आपको फल की प्लेंटी को खाना चाहिए, जो अंदर का भाग होता है ना वो, सॉरी पत्तियाँ होती है ऊपर का छिलका, वो खाना चाहिए आपको। तो ये क्या हो गया, यू शुड मतलब किसी को एडवाइस देना हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस ही होगा। एडवाइस देना किसमें आता है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, आपने कर लिया होगा ये। अब इसमें है फिफ्थ, व्हाट डिलीशियस फूड इट इज, इसमें देखो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ हो गया, आपको तो जगह दे रखी ना, इसमें लिख सकते हो आप ये अभी। हाउ आर यू, आप कैसे हो, सिक्स्थ है हाउ आर यू, तो ये क्यों हो गया, आप लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा ना इसमें, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें लिखेंगे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेवेंथ में यहां पे बता रहा हूं आपको, गो एंड ब्रिंग योर नोटबुक्स, जाओ और आपकी नोटबुक लेकर आओ, ये कमांड देना है किसी को, कमांड देना हो गया। तो कमांड किसमें आता है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। सॉरी, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस। एट्थ है, मदर इज कुकिंग फूड, माँ खाना पका रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस आ गया, ये नॉर्मल सेंटेंस आ गया, स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट हो गई है। ठीक है, तो आज अपना ये जो ए वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है, और आपको मैं होमवर्क बता देता हूँ कि होमवर्क में क्या करना है। All four definition and question A. ठीक है, तो इसमें जो फोर डेफिनेशन है ये तो आपको नोटबुक के अंदर करनी है, और जो ये आपको स्टेटमेंट है ना, ये वाले, ये स्टेटमेंट आपको बुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, यही काम आपका है आज का। ठीक है, और ये काम आपको अपने नोटबुक के अंदर कर लेना है, कौन सा,
डेफिनेशन वाला, जो फोर डेफिनेशन थी वो आप नोटबुक में लिखनी है, और बाकी जो क्वेश्चन ए है या आप अपने बुक के अंदर ही सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने लिखवाया ना कि कौन सा स्टेटमेंट है, कि कौन सा सेंटेंस है, वो आपको आगे स्पेस दिया हुआ है उसी में आप लिख लोगे। और आपको जो भी क्यूरी हो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हो कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है, उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, बाय।